नमस्कार, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं शुभम मिश्रा आपका BHU अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो ये 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट BFA के क्वेश्चन का अगला हिस्सा है, यानी पार्ट 3 है। इसमें हम करीब 40 क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके BHU BFA एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस BFA एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, इलाहाबाद BFA एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, या फिर जहाँ पर भी BFA एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है UG के, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बहुत ज़्यादा सहायता करेगा आपकी। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें मैं उम्मीद करूँगा कि आप इन्हें कॉपी में नोट करते रहेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। भित्ति चित्र किस काल से संबंधित है? भित्ति चित्र किस काल से संबंधित है? पहला ऑप्शन आदिम काल, दूसरा नवपाषाण काल, तीसरा सैंधव काल, चौथा मौर्य काल। ठीक है, तो पहला आंसर सही है आदिम काल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रंगोली किस राज्य की लोक कला है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, बंगाल। तो पहला दूसरा ऑप्शन सही है, महाराष्ट्र का लोक कला है। अष्टसहस्रिक प्रज्ञा परमिता का चित्र किस ग्रंथ पर आधारित है? पहला ऑप्शन जैन, दूसरा पुराण, तीसरा बौद्ध ग्रंथ, तीसरा चौथा हिंदू ग्रंथ पर। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन सही है, बौद्ध ग्रंथों पर अष्टसहस्रिक प्रज्ञा परमिता चित्र ग्रंथ आधारित है। अल्पना की लोक कथा चित्र किस राज्य से संबंधित है? अल्पना की लोक कथा चित्र ये बिहार से संबंधित है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है, उड़ीसा से संबंधित है, या फिर पश्चिम बंगाल से संबंधित है। तो आपका आपका सही ऑप्शन है चौथा, पश्चिम बंगाल से संबंधित है। मिर्जापुरा के जोगी मारा गुफा के चित्र किस काल से संबंध रखते हैं? ठीक है, पहला है ऑप्शन नवपाषाण काल यानी नियोलिथिक पीरियड, मौर्यन काल, मौर्यन पीरियड, शुंग काल, शुंग पीरियड, सातवाहन काल, सातवाहन पीरियड है। ठीक है, यहाँ पे त छूट गया, एक ही सातवाहन काल है। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन क्या है? शुंग काल। ठीक है, गांधार शैली का विकास किसके काल में हुआ? ठीक है, गांधार शैली का विकास किसके काल में हुआ? कुषाण काल, मौर्य काल, शुंग काल, गुप्त काल। ऑप्शन ए कुषाण काल में हुआ। और यहाँ का प्रसिद्ध राजा कौन था कुषाण काल का? कनिष्क था। ठीक है, अजंता की गुफाओं के चित्र किस धर्म और संप्रदाय से संबंधित है? जैन धर्म श्वेतांबर, बौद्ध धर्म हीनयान, जैन धर्म दिगंबर, बौद्ध धर्म महायान। तो ये अजंता की गुफाओं में जो चित्र हैं वो बौद्ध धर्म महायान से रिलेटेड है। जैन धर्म का दो हिस्सा है, एक दिगंबर है, एक श्वेतांबर है। ठीक है, दिगंबर लोग नंगा रहते हैं, श्वेतांबर लोग क्या करते हैं? सफेद कपड़े पहनते हैं। उसी तरह हीनयान है और महायान है। ठीक है, जो हीनयान लोग हैं वो बुद्ध को उनका पर्सोनिफिकेशन नहीं पढ़ते करते उनको बस सिर्फ मानते हैं, और जो बौद्ध धर्म का महायान है वो उनका पर्सोनिफिकेशन एस्पेक्ट की पूजा करते हैं। ठीक है, गुजराती शैली की विधा के लिए प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? गुजराती शैली की विधा किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो भित्ति चित्र के लिए, गुफा चित्र के लिए, ग्रंथ चित्र के लिए, पत्ते चित्र के लिए। तो ये ऑप्शन सी ग्रंथ चित्र के लिए प्रसिद्ध है। गुजराती शैली जैन शैली का वसंत विलास किसके काल का है? ठीक है, गुजराती शैली में जैन शैली का जो वसंत विलास है वो किसके काल का है? ऑप्शन ए अहमद शाह, ऑप्शन बी मुबारक शाह, ऑप्शन सी चांद बीवी, ऑप्शन डी रजिया सुल्तान। तो सही आपका आंसर है अहमद शाह। गुजरात चित्रकला शैली के अन्वेषक कौन है? अन्वेषक मतलब डिस्कवरर कौन है, या फिर उन्होंने किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए अवनिंद कुमार, ऑप्शन बी डॉक्टर अनंत कुमार स्वामी, ऑप्शन सी रविंद्र कुमार टैगोर, ऑप्शन डी अरविंद घोष। तो ऑप्शन डॉक्टर अनंत कुमार स्वामी। ठीक है, निकली हुई परवलय के समान आंखें किस शैली की देन है? अजंता शैली, एलोरा शैली, अभ्रंश शैली, मुगल शैली। तो निकली हुई परवलय के समान यानी पैराबोला के समान जो आंखें होती हैं वो किस शैली की देन है? तो ये अभ्रंश शैली के देन है। अब परवलय शैली कैसी होती है? ऐसे होती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा लड़कियां लाइनर कुछ इस तरह से लगाती हैं कि उनके आंखों के कोनों पे ये थोड़ा सा ऐसे इस तरह से निकल जाता है। ठीक है, फिर से बना देते हैं, ये सब छोटे आंखें हैं ये इस तरह से। ठीक है, इस तरह से निकला होता है ये वाला हिस्सा। ठीक है, इसी को परवलय यानी पैराबोला कहते हैं। ठीक है, मुड़े हाथ की उंगलियां ट्विस्टेड फिंगर किस शैली से युक्त हैं? ठीक है, आदिकाल शैली, अभ्रंश शैली, अजंता शैली, एलोरा शैली। तो ये आपका सही आंसर क्या है? अभ्रंश शैली से युक्त हैं। ठीक है, मीर सैयद अली एवं अब्दुल समद किस काल से संबंध रखते हैं? हुमायूं, बलबन, मोहम्मद तुगलक, इब्राहिम लोदी। तो ये हुमायूं जो है हुमायूं के काल से संबंध रखते हैं। ठीक है, दास्ताएं आमिर हमजा, आमिर हमजा को किसने चित्रित किया है? ऑप्शन ए अब्दुल समद, ऑप्शन बी मीर सैयद अली, ऑप्शन सी हकीम मोहम्मद खान, ऑप्शन डी अहमद हुसैन। तो आपका सही आंसर क्या है? मीर सैयद अली। ठीक है, किस शैली में भौहें, भौहें मतलब आईब्रोज धनुषकार हैं? धनुष के समान यानी
बो टाइप हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी, किशनगढ़ शैली में भौमे जो है धनुषकार हैं। किस शैली में आंखें पंखुड़ियों के समान है? अजंता शैली, कोटा बूंदी शैली, जैन शैली, पाल शैली। किस शैली में आंखें पंखुड़ियों के समान है? कोटा बूंदी शैली में, ठीक है। गुलेर, तीर, नूरपुरा, कांगड़ा घाटी में किस शैली की चित्रकला विकसित हुई? ये सब स्थान का नाम है। गुलेर हुआ, तीर हुआ, नूरपुरा हुआ, कांगड़ा घाटी, इनमें किस शैली की विकसित हुआ? पहाड़ी शैली, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एलोरा, ऑप्शन सी अजंता शैली, ऑप्शन डी राजस्थान शैली, राजस्थानी शैली या, ठीक। तो आपका सही आंसर क्या है? पहाड़ी शैली का विकास हुआ। किस मुगल बादशाह के काल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी जहांगीर, सॉरी ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी जहांगीर। तो आपका सही आंसर है जहांगीर के काल में सर्वाधिक विकास हुआ मुगल कला का। मुगल कला का प्रसिद्ध बाज पक्षी, ठीक है, बाज पक्षी का चित्र किसने बनाया है? यहाँ पे बाजी पक्षी लिखा दिया गया है, कहीं 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 बाजी पक्षी भी दिया रहता है, ठीक है। तो मोहम्मद नादिर, उस्ताद मंसूर, अब्दुल समद, मीर अली। तो इसका सही आंसर है उस्ताद मंसूर, ठीक है। बाजी पक्षी भी याद कर लीजिएगा और बाज पक्षी भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। कई कुछ जगह कहीं कहीं मिस इंटरप्रिटेशन है, गलत शब्दों का यूज किया हुआ, तो वो क्लैरिफिकेशन मेरे पास नहीं मिला, ठीक है। तो दोनों याद कर लीजिएगा, ठीक है। किस शैली में पोस्टकार्ड्स, देखो बाजी में बाज तो आएगा ही, तो बाज याद कर लेना, ठीक है। किस शैली में पोस्टकार्ड साइज के चित्र बनाए गए? ऑप्शन ए मुगल शैली, ऑप्शन बी पहाड़ी शैली, ऑप्शन सी कंपनी शैली, ऑप्शन डी मधुबनी शैली। तो कंपनी शैली में पोस्टकार्ड साइज के चित्र बनाए गए, तो आपका सही आंसर सी होगा, ठीक है। होमवर्क आप लोगों के लिए एक होमवर्क देता हूँ, कंपनी शैली क्या है, इसकी क्या विशेषता है, आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है, ठीक है। तो बहुत लोग आप लोगों में से बहुत लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों पर शेयर कर लीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगा लीजिए, ठीक है। इसी तरह मैं जो आप लोगों के लिए वीडियो चलाता रहूँगा, ठीक है। और चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तांत्रिक कला का मुख्य चित्र किस शैली का है? ऑप्शन ए मधुबनी शैली, ऑप्शन बी पहाड़ी शैली, ऑप्शन सी जैन शैली, ऑप्शन डी पाल शैली। तो तांत्रिक कला का चित्र मुख्यतः मधुबनी शैली का है, ठीक है। फ्रेस्को पेंटिंग चित्रकला विधि किस शैली से संबंधित है? फ्रेस्को पेंटिंग चित्रकला शैली विधि किस शैली से संबंधित है? ऑप्शन ए एलोरा, ऑप्शन बी पाल शैली, ऑप्शन सी अजंता शैली, ऑप्शन डी मधुबनी शैली। ये किस शैली है? अजंता शैली से क्या है संबंधित है, ठीक है। तो यशोधर और राहुल का चित्र अजंता के किस गुफा में? गुफा नंबर 12, गुफा नंबर 15, गुफा नंबर 16, गुफा नंबर 17। ये हिंदी का 15 है। तो इसका सही आंसर है गुफा नंबर 17 में राहुल और यशोधरा का चित्र है, ठीक है। एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? ऑप्शन नंबर ए 43, ऑप्शन नंबर बी 28, ऑप्शन नंबर सी 71, ऑप्शन डी 90। तो वर्तमान में एलोरा में 71 गुफाएं हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सिरोही, सांवड़, देवगढ़, बांसवाड़ा की चित्रकला शैली के मूल केंद्र हैं, ठीक है। जो सिरोही है, सेवा, सांवर है, देवगढ़ है, बांसवाड़ा की जो चित्रकलाएं हैं वो किस शैली के मूल केंद्र हैं? तो बूंदी शैली, मेवाड़ शैली, पहाड़ी शैली, अभ्रंश शैली। तो ये मेवाड़ शैली के क्या है? शैली के मूल केंद्र हैं, ठीक है। नागरीदास किस शैली का उपनाम है? नागरीदास, तो ऑप्शन ए किशनगढ़ शैली, ऑप्शन बी मेवाड़गढ़ शैली, ऑप्शन डी बूंदी शैली, ऑप्शन ऑप्शन डी पहाड़ी शैली, ठीक है, ऑप्शन सी बूंदी शैली। तो ये किशनगढ़ शैली का उपनाम है, नगरीदास या फिर नागरीदास, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। निहाल चंद, आमिर चंद, सीताराम, भवानीदास किस चित्रकला से जुड़े हुए हैं? तो ऑप्शन ए मेवाड़ शैली, ऑप्शन बी किशनगढ़ शैली, ऑप्शन डी ऑप्शन सी मुगल शैली, ऑप्शन डी बीकानेरी शैली। तो निहाल चंद, आमिर चंद, सीताराम, भवानीदास किस चीज से जुड़े हुए हैं? तो ये किशनगढ़ शैली से जुड़े हुए हैं, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। शाहदीन, रुकनुद्दीन, साहिब दीन, मस्तराम किस चित्रकला से शैली से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन ए मेवाड़ शैली, ऑप्शन बी पहाड़ी शैली, ऑप्शन सी मुगल शैली, ऑप्शन डी बीकानेर शैली। तो शाहदीन, रुकदीन, रुकनुद्दीन, साहिब दीन मस्तान, ये सब बीकानेर शैली से जुड़े हुए हैं, राइट। तो आगे पढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर लीजिएगा और शेयर भी। नव नृत्य कला आंदोलन के नायक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, प्रमोद कुमार चटर्जी। तो नव्य नृत्य कला के नायक अवनींद्रनाथ टैगोर थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर
बी इज योर इज द राइट आंसर, इज योर राइट आंसर। जय हनुमान और मेघदूत का चित्रण किसने किया था? अवनींद्रनाथ, गगनेंद्रनाथ हुसैन, एम एफ हुसैन यानी मनीष डे। तो आपका सही आंसर है बी गगनेंद्रनाथ। ठीक है, औरंगजेब का बुढ़ापा किसने चित्रित किया है? बहुत फेमस पेंटिंग है। अवनींद्रनाथ, रविन्द्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ, अमृता शेरगिल। तो औरंगजेब का बुढ़ापा रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्या किया था? चित्रित किया था। नर्तकी आम्रपाली का चित्र किसने बनाया? ऑप्शन ए नंदलाल बोस, ऑप्शन बी अमृता शेरगिल, ऑप्शन सी एम एफ हुसैन, ऑप्शन डी प्रमोद कुमार चटर्जी। तो प्रमोद कुमार चटर्जी जी ने क्या किया? नर्तकी आम्रपाली का चित्रण किया। ठीक है, बादामी गुफा का निर्माण किसने किया? ऑप्शन ए पाल वंश, ऑप्शन बी चालुक्य वंश, ऑप्शन सी पल्लव वंश, ऑप्शन डी चोल वंश। तो बादामी गुफा का निर्माण चालुक्य वंश ने किया। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। प्रातःकालीन नाश्ते की मेज यानी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट टेबल किसने चित्रित किया है? ऑप्शन ए क्लॉड मॉर्निट, ऑप्शन बी माइकल एंजेलो, स्पेलिंग गलत है शायद माइकल एंजेलो की। ठीक है, ऑप्शन बी हैवेल, ऑप्शन सी ऑप्शन डी विंसेंट वैन गॉग। ठीक है, तो आपका हैवल इज इज द राइट आंसर। ठीक है, प्राचीनकाल नाश्ते की मेज का चित्रण हैवल्स ने किया है। गांधी जी की दांडी यात्रा का चित्र किसने किया है? ऑप्शन ए अमृता शेरगिल, ऑप्शन बी अमित कुमार हल्दार, ऑप्शन सी मनीष डे, ऑप्शन ऑप्शन सी मनीष डे, ऑप्शन डी नंदलाल घोष। तो गांधी जी का दांडी यात्रा का चित्र नंदलाल बोस जी ने किया है। ठीक है, बंगाली शरणार्थी का चित्रण किसने किया है? ऑप्शन ए मनीष डे, ऑप्शन बी नंदलाल बोस, ऑप्शन सी शैलेंद्रनाथ डे, ऑप्शन डी अवनींद्रनाथ टैगोर। तो बंगाली शरणार्थी का चित्रण मनीष डे ने किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, मनीष डे। ठीक है, और गांधी जी के दांडी यात्रा चित्र नंदलाल बोस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। ठीक है, काला घोड़ा यानी ब्लैक हॉर्स किसने बनाया है? अब लोग बहुत लोग कंफ्यूज जाएंगे कि इसको एम एफ हुसैन ने बनाया है, बट करेक्ट आंसर है यामिनी रॉय ने बनाया है। यामिनी रॉय का हिंदी नाम जैमिनी रॉय भी कह जैमिनी रॉय भी कहीं कहीं आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो काला घोड़ा किसने बनाया? ब्लैक हॉर्स यामिनी रॉय ने बनाया है। इट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये छोटा सा वीडियो था, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में। हाँ, आप लोगों में से बहुत लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ कृपया कृपया जरूर करें, थोड़ा सा हेल्प करें हमारी। ठीक है, ठीक है, चैनल को हेल्प कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर डेली टेस्ट देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली टेस्ट होता है 20 क्वेश्चन का। ठीक है, और पेड पेड मॉक टेस्ट भी हैं जो आपको मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप घर में रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, बड़ों का ख्याल रखिएगा। ठीक है, साफ सफाई से रहिएगा। ठीक है, और देश का इस कोरोना वाले बड़ी बुरी स्थिति में साथ दीजिए। ठीक है, अपने कंट्रीब्यूशन जितना कर सकते हैं करिए। ठीक है, नमस्कार।